जे उपस्थित है जीवन शिक्षा के कैक विषयबिया और थोड़ा बातचीत करब आम आई जे पदक्षेप तुम ने आई जे देखे पारे जे माउट चाह बगिचा के चुके खाने थका जे अक बगिचा अंचल के नए अपनी देखे पाते जे गाँव एरिया के भी मानुस बैके अपन जो बीमारी है जी आईके देखा पाते हैं और फ्री में कौन पैसा पाती ना लेके एरक एक महान मानने भल एक पदक्षेप तहनी के चिंताधारा में कम आले की कम से तुम इटा कार्यसूची लेकिले लेला और एखन तक कार्यसूची टाइम में जड़ित होके तुम्हें कि अनुभव सबसे तो जीवन शिक्षा के तरफ से सबके नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद जो तहनी आज के न्यूज चैनल टाइम हम जो प्रोग्राम चलते है वो देखा के लिए चेष्टा करा है तो हमें जीवन शिक्षा के जो उद्देश्य लगे जीवन शिक्षार जन्मगत एक उद्देश्य कि जी दरिद्र लोक है जीखिनि अपने बागान के आदमी है आदिवासी लोक है जीखिनि गाँव के आदमी है तो जी पिछड़ा बहुत पिछड़ा है उस सबके हेल्थ और सबके मतलब कि जीवन जीविका उन्नत करा तो देख के हमने देखे लगे बागान में हो गाँव में हो बहुत आदमी एरक है जो मैं स्वास्थ्य के लेकर बहुत सजागो ना खे और हम से मेडिकल जाए वो डिब्रुगढ़ जाए करेला चबुआ जाए करेला तो गाँव में जिस है बागान में जिस है वो एक्सेस कर ना पाला ट्रीटमेंटा तो हमने उरकम उद्देश्य लेके गांव गांव में और बागान बागान में हमने मेडिकल कैंप करला तो यार संगे हमने के जे SRLM के जे VO सभा है उस सब जड़ित है और बहुत धन्यवाद जना थी हमने माउट बागान के परिचालक लगता तो मैनेजमेंट जी सभा है हमने के वेलफेयर है और पब्लिक हेल्थ DSF उस हमने के हेल्प करे है तो हमने के उस सबके लेके हमने पूरा प्रोग्राम करला हेल्थ केयर स्वास्थ्य शिविर अक स्वास्थ्य शिविर ना मानसिक स्वास्थ्य के लेके हमने बहुत काम करते ही पिछले 5 साल से हमने काम करते ही मानसिक स्वास्थ्य के पूरा आसाम में मानसिक स्वास्थ्य के लेके अखन प्राय 20% आदमी मानसिक रोग में रोगाक्रांत है तो उटाके हम देखिके अक मानसिक रोग तो करते लगे बाकी स्वास्थ्य के दिखो हमने आगे हमने विभिन्न रकम बगिचा अंचल में जाइला वहाँ जावल पीछे हमने के बहुत रकम प्रश्न करें जे एरकम कोनो हेल्प केयर लेके कोनो माने कैम्प सेम चला एरकम कोनो जोगाजोग आहे निकी आज जेहेतु हमने पाई गेली लेकिन तोनी से जाने के लिए चेष्टा करबो जे उसोबेन तोनी संगे की कोन जोगाजोग करे पारि जे जाय के उसोबेन के हुआ जाय के तोनी एरकम में एकटा कैम्प करे पारबो तो हमने के लिफलेट आहे हमने नंबर टाओ शेयर करे पारबो हमने संगे जोगाजोग करले हमने के नंबर आहे दुटा नंबर आहे एकटा हेल्पलाइन नंबर आहे जिकोनो हेल्थ कारणे फोन करले से पवा जाय मेनली उटा मेंटल हेल्थ के नंबर लगे 8876 8876 09 5526 और एकटा नंबर होले 9678494812 तो दुटा नंबर फोन करले से माने जिकोनो विषय थाकले से बोले पारो पुछे पारे हां और जदि उसोबिन केमटा लेख ले खुजी तो की करे लगे हां उटा जुगाजुग करले से हमने जला कारण हमने के कोनो डॉक्टर निजर नै खे तो हमने PHC डिपार्टमेंट के जुगाजुग करे लगे बा जॉइंट डायरेक्टर के जुगाजुग करे लगे तो इटा कम से कम 1-2 महीना टाइम लाग जाइला बोले आज के बोल ली तो कल कर दबो रकम नै खे तो हमने के बोलले से एक प्रोसेस थाकेला 1-2 महीना के प्रोसेस में हो जाए मैंने यहाँ जितना भी डॉक्टर सब आई के एन बर्तमान ट्रीटमेंट चलाते हैं उसोबिन के की बोल बता तो हमने नेशनल हेल्थ मिशन और PHC के बहुत बहुत धन्यवाद जनाती कारण जीटा महान उद्देश्य स्वास्थ्य मेला स्वास्थ्य शिविर आम अर्गेनाइज कर सब निस्वार्थभवे आज के पूरा दिन में फजर सहगे अखंत आए और निजर टाइम टा बेलेग तो मैं हमने के जीवन शिक्षा अर्गेनाइजेशन दिखे से उस सबके धन्यवाद जनाती आज जो आप लोग आयोजन किए हैं ऑर्गेनाइज किया है उसके बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम राधा, मैं इधर तो इटापली ब्लॉक के अंदर तो आसाम स्टेट रूरल लवलीहुड मिशन के अंदर कुटुंबश्री NRO में वर्क कर रही हूँ इटापली ब्लॉक के अंदर। तो अभी इधर लाइपुली GP के अंदर तो माउथ TA State के अंदर तो हमारा PRI CBO कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट और हमारा जो माउथ TA State और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर तो आज जो हेल्थ कैंप इधर तो आप लोग ने ऑर्गेनाइज किया है पूरा जो माउथ TA State का लोगों के लिए तो कल जो माइक अनाउंसमेंट किया है और उसके साथ साथ आज तो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट आया है इधर तो जैसे ENT और गायनेकोलॉजिस्ट और पेडियाट्रिस्टिक और जनरल मेडिसिन और पूरा जो इधर तो जो लैब टेक्नीशियन लोग भी हैं पूरा दवाई लिया है ये हमारा जो माउथ TA State का सपोर्ट से हम लोग ने आज इधर करवाया है। मोर देन 500 जो पेशेंट्स का तो अभी ट्रीटमेंट हो गया है इधर तो आज बहुत अच्छा लगा है ये हमारा जो TA State का लोग हमको सपोर्ट दिया है उसके साथ साथ हमारा जो NGO भी इधर तो ऑर्गेनाइज सपोर्ट किया है और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस भी ऑफिसर का भी हमारा तो सपोर्ट मिला है तो इसी तरह तो आज तो पेशेंट लोगों को तो ये जो फ्री जो मेडिसिन जो दिलवा रही है इसके साथ साथ तो हमारा बहुत अच्छा लगा है तो ये हमारा आज का जो
ऑर्गेनाइज किया हुआ जो प्रोग्राम तो बहुत सक्सेसफुल है, इस तरह मानती हूँ मैं। थैंक यू। क्या कहेंगे और नेक्स्ट आप लोग अगर बात करें माउंट की स्टेट में हुआ तो अगर बहुत सारे ऐसे की स्टेट है जहाँ पे होना चाहिए। हाँ तो हम लोग ने नेक्स्ट प्रोग्राम कुछ है। हाँ तो हम लोग ने ऐसा होता है जो पॉवर्टी इराडिकेशन मेनली मतलब गरीबी दूर करना है, तो गवर्नमेंट जितना स्कीम होता है वो स्कीम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकता है, तो हम हर एक डिपार्टमेंट के साथ मिलकर तो इटाकुली ब्लॉक के अंदर कितना जो 5 GP हम लोग ने अभी लिया है तो वो 5 GP के अंदर हम लोग ने डिफरेंट तरीके से तो एक एक प्रोग्राम कर रहा तो डिपार्टमेंट के मदद से हम लोग ने उनको सपोर्ट कर तो डिमांड देता है, जैसे जो कम्युनिटी है कम्युनिटी तो डिमांड देकर तो हम लोग ने जो एरिया में तो जनता को जो जरूरत है उस एरिया में हम लोग बुला कर तो डिपार्टमेंट के मदद से हम लोग ने ऐसे ऐसे डिफरेंट तरीके का प्रोग्राम हम लोग मनाया जाता है। एक्चुअली हम लोग की ये रिक्वेस्ट है कि मान लीजिए आज यहाँ पे जो कैंप हुआ है जी, तो हमारे जो व्यूअर्स है बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हो गए जो कि उनको भी कोई 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 ना कोई दिक्कत हो लेकिन वो लोग यहाँ आकर के पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, दिखाने नहीं सका, लेकिन आप लोगों का नेक्स्ट कहाँ प्रोग्राम है जो कि वो लोग भी जाकर के अपने जो बीमारी है उसको दिखाना चाहिए। देखिए हमारे तो ब्लॉक के अंदर तो जीविका सखी लोग हैं, उन लोग ने तो सेल्फ हेल्प ग्रुप सब जगह तो पूरा लाइपुली GP के अंदर तो अब वो लोग ने तो मतलब बनाया गया है, तो अगर इस तरफ अभी इस माउंट एरिया में अभी नेक्स्ट वो लोग दूसरे एरिया में तो जो जब VO मीटिंग होता है CLF मीटिंग होता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन का मीटिंग होता है उधर कम्युनिटी से डिमांड आएगा कि हमको इसका जरूरत है तो उस जरूरत है, तो उस हम लोग ने उस एरिया में हम लोग ने ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे कम्युनिटी से जब डिमांड आएगा तब हम लोग ने उन लोग के लिए तो ये काम कर सकता है। पूरा जो अभी इटाकुली ब्लॉक के अंदर तो पूरा जो ब्लॉक के अंदर तो ऐसे कम्युनिटी हर महीने में VO मीटिंग होता है, हर महीने के अंदर तो CLF का मीटिंग होता है, उस मीटिंग के अंदर तो कम्युनिटी डिमांड करेगा उसी तरह हम लोग ने ऑर्गेनाइज करता है डिपार्टमेंट का सपोर्ट से तो okay. तो डिपार्टमेंट के साथ मिलने के लिए तो हम कर रहे हैं, खाली कम्युनिटी का लोकल जो एकदम डाउन में तो लोग होता है रूरल एरिया के अंदर तो उन लोग को तो डिपार्टमेंट तक पहुँचने में बहुत डिफिकल्ट है, तो इसलिए तो डिपार्टमेंट के साथ हम लोग जुगाजुग कर रहे हैं, ब्लॉक के साथ जुगाजुग कर रहे हैं, इसी तरह तो हम लोग ने अरेंज कर लेता है मीटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी। हम हमारे उपस्थित आसे जेहेतु জীবিকা হকি আপোনালোকে কি কব কি কব আপোনালোকে নমস্কাৰ মোৰ নাম মিছ জুনমণি খাতুন, মই PRICBO কনভাৰ্জন প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত ইণ্টাৰনেল মেণ্টৰ হয়। মই বৰ্তমান এইটো আমাৰ যিটো PRICBO কনভাৰ্জন প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰতেই মানে এইটো হেল্থ কেম্প আমি কৰা হৈছে, যিহেতু আমাৰ গোটৰ মহিলাখিনিৰ পৰা ডিমাণ্ড আহিছিলে যে বাগান এৰিয়াৰ মানে লোকসকলৰ বহুতো মানে আৰ্থিক অৱস্থা দুৰ্বলতাৰ কাৰণে মানে আমি তেওঁলোকৰ সুবিধাটো কৰি দিছোঁ, তেওঁলোকক ধৰক ডিব্ৰুগড় যাবলৈ বা তিনিচুকীয়া যাবলৈ বহু মানে তেওঁলোকে বাগানত যিহেতু কাম কৰে বাগানৰ কাম ছুটি নাপায় কাম ক্ষতি কৰিলে তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ কাৰণে অসুবিধা হয়, সেই বিনিময়ত আমি তেওঁলোকক এই কেম্পটো মানে আমি প্ৰথম আমি NGOৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, প্ৰথম যিটো আমাৰ জীৱন শিক্ষা উদ্যোগৰ যিটো হেৰি আছে NGO পচিকদাৰ লগত কথা পাতি আমি এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা, তেখেতে এইটো পানী তোলা PHC চেণ্টাৰৰ লগত কথা পাতি আমাক এই হেল্প কেম্পটো কৰি দিছে। মেম আপোনাৰ পৰা এটাই কথা জানিব চেষ্টা কৰিম, আজি যিহেতু মঙ্গলবাৰ আপুনি নিশ্চয় জানে বাগিচা অঞ্চলত ডিউটি থাকে প্ৰায় সংখ্য আহিব পৰা নাই, নেক্সট যদি প্ৰগ্ৰাম লয় আপোনালোকে দেওবাৰ প্ৰগ্ৰামটো ল'লে আমি ভাবোঁ যিহেতু এইটো ভাল হ'লে এইটো দেওবাৰ প্ৰগ্ৰামটো ল'বলৈ গ'লে আমাৰ যিখিনি আমাৰ চৰকাৰী মানে চাকৰি অফিচাৰ হেৰি আছে ডক্টৰ আছে তেওঁলোকেতো আহিবলৈ দেওবাৰ পৰিলে আমাৰ অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে আমি মানে আমাৰ খোলা বাৰত লোৱা হৈছে, আৰু যিহেতু আমি বাগান এৰিয়াত লৈছোঁ আমি বাগান মেনেজাৰক এই কথাষাৰৰ ওপৰত আমি দাঙি ধৰিছোঁ সেই দিনটোত বাগান ছুটি দিবৰ কাৰণে, আৰু তেখেতক এপ্লিকেশ্যন দি জনোৱা হৈছে তেওঁলোক বাগান যিটো মাউণ্ট ষ্টেটৰ পৰাই মানে আমাক এইখিনি ছাপৰ্ট দিছে, পেণ্ডেল বনাই দিছে, লাঞ্চৰ বা চাহৰ ব্যৱস্থা আমাক মাউণ্ট ষ্টেটৰ ফালৰ পৰাই সুবিধা কৰি দিছে। সমূহবাসীয়ে মাউণ্টৰ যিমানখিনি মানে কৰ্মচাৰী আছে মাউণ্ট মেনেজাৰ পৰা ধৰি যিমানখিনি কৰ্মকৰ্তা আছে সকলোকে মোৰ ধন্যবাদ মোৰ ফালৰ পৰা যিহেতু আমাক এইখিনি সহায় কৰি দিয়াৰ বাবে। ধন্যবাদ।